हिमाचल परिवहन सड़क कर्मचारी यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक प्रांतीय प्रधान विद्या सागर शर्मा की अध्यक्षता में हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्या सागर ने बताया कि निगम प्रबंधन कर्मचारियों से कोई संवाद नहीं कर रहा है। प्रदेश में नई सरकार बने 7 माह का समय हो गया है, परंतु परिवहन निगम व इसके कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अभी तक परिवहन मंत्री निगम द्वारा मात्र लाभ अर्जित करने की ही घोषणा कर रहे हैं, परंतु कर्मचारियों का 13 माह का ओवरटाइम व रात्रि भत्ता, एरियल 12%, आईआर 3%, डीए पेंशन, मेडिकल इत्यादि के रूप में निगम के पास लगभग 350 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान देय है, जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद निगम कर्मचारियों को कोई भी वित्तीय बकाए का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल परिवहन सड़क कर्मचारी यूनियन मांग करती है कि यदि उपरोक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता है और कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट जाएगा तथा ना चाहते हुए भी प्रदेश व्यापी संघर्ष के लिए कर्मचारियों को विवश होना पड़ेगा। सड़क कर्मचारी यूनियन की ये बैठक काफी अंतराल के बाद हमीरपुर में रखी गई है। हमीरपुर इकाई के आज इलेक्शन भी होने हैं और कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबित जो मांगे हैं उनके विस्तृत रूप से जो है चर्चा की जाएगी, उनके समाधान के बारे में विशेष रूप से उसी में चर्चा की जाएगी और जो भी इससे रिगार्डिंग होंगे आउटकम्स होंगी वो हम प्रेस नोट में जो है आपको सोचेंगे। जो बैठक है सबसे पहले तो जो है कर्मचारियों की पिछले काफी लंबे समय से जो है 14 माह का रात्रि ओवरटाइम जो ड्यू है पड़ा हुआ उसके बारे में और जो 20% 17% अंतरिम राहत हमारी जो है ये है पेंडिंग पड़ी हुई है और 3% जो है उसमें डीए की किस्त है। कुल मिला के पेंशनर्स का और कर्मचारियों का 350 करोड़ रुपए के करीब जितना भी ये बनता है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार को बने हुए 7 माह का समय हो चुका है, अभी तक जो है इस पर किसी भी प्रकार की सरकार से कोई भी अदायगी नहीं की गई, जबकि माननीय जयराम ठाकुर जी ने जिस दिन कार्यभार संभाला था विशेष रूप से सचिवालय में 3% डीए की घोषणा की गई थी, सभी कर्मचारियों को उसी दिन से वो लागू हो गया। परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ पहले से इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है और दुख तो इस बात का है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जो है विशेष रूप से बीओडी में इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाती है। आज दिन तक इन्होंने इसी बात का वो रखा था कि आपकी जितनी भी डिमांड्स है वो बीओडी में कम्प्लीट की जाएगी। अब बीओडी का विशेष रूप से गठन कर दिया गया है और हमारी बैठक में मेन फोकस तो यही रहेगा कि जो कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है माननीय परिवहन मंत्री निपटारा करे, अन्यथा जो है कर्मचारियों में जो रोष पनप रहा है तो उससे हम भी बाध्य होंगे कि प्रदेशव्यापी आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। डिस्कस किया जाएगा यहाँ की जो रीजनल अथॉरिटीज है, जो भी यहाँ के लोकल अथॉरिटीज है उनसे डिस्कस करके जो है इनका निवारण जो है आज ही करवा दिया जाएगा, जो भी विशेष रूप से यहाँ की लोकल समस्या है। बाकी जो हेड ऑफिस लेवल की है, मुख्यालय लेवल की है, सरकार के लेवल की है, उनसे जो है विस्तृत रूप से सरकार से और मुख्यालय से प्रबंधन से जो है डिस्कस करके इनका निपटारा करने की कोशिश करें।